अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ टीएम ऑटो से मोहम्मद ताहिर। ये ईके वैगन आई है इस गाड़ी का। इसमें ये पार्ट ये आ रहा है कि जब स्टार्ट करते हैं तो जनरेटर की लाइट, बैटरी की लाइट मीटर में डायरेक्ट जलती है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें आप। स्विच ऑन करने पे आयल और जनरेटर की ये मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो गई है और ये बैटरी की लाइट आ रही है। तो बैटरी की लाइट जब भी आपके मीटर में आए तो आप ये या तो आपका जनरेटर का जो फैन बेल्ट है, फैन बेल्ट में फॉल्ट आ जाए तब भी जनरेटर की ये इंडिकेशन लाइट आएगी, जिसमें आपकी वाटर बॉडी नहीं घूमेगी तो गाड़ी गर्म होगी और बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो इस गाड़ी में हमने बाहर से चेक किया है कि इसके जनरेटर में मैन भी आ रहा है और चाबी स्विच का करंट भी आ रहा है। तो इसका जनरेटर में फॉल्ट है, जनरेटर खोलते हैं और जनरेटर में फिर मैं जब खोलूंगा, अभी वीडियो रोक रहा हूँ, जब जनरेटर खोलूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि जनरेटर में क्या फॉल्ट था। जनरेटर जैसे कि दिखाया था, बैटरी की लाइट आ रही है तो ये हमारा सिस्टम बना हुआ होता है नीचे सामान चेक करने का। कटआउट आपको दिखाते हैं कि कटआउट ठीक की क्या निशानी है और ख़राब की क्या है। ये देखें, ये लगते ही बत्ती का पॉइंट आ गया। अब आगे करते हैं, इसमें इस पॉइंट पे ये बत्ती शो करेगा दूसरा बल्ब। ये इसका ये मतलब होता है कि कटआउट आपका ठीक है। ये तो जनरेटर का कटआउट ख़राब नहीं है और ये कटआउट साफ कर रख दिया। इसी तरह ये इलेक्ट्रिकल प्लेट है, इसके चेक करने का तरीका ये है कि एक पॉइंट यहाँ लगाया और ये टेस्टर, ये चारों पॉइंटों पर नहीं जलेगा। एक तरफ अगर ख़राब होगा या कोई पॉइंट शॉर्ट होगा तो जलेगा। ये दूसरी जब उल्टा लगाते हैं ये जल गया बल्ब, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये प्लेट भी ठीक है, कटआउट भी ठीक है। इस जनरेटर का फॉल्ट ये है, इसका ये रूटर होता है, ये एक पॉइंट यहाँ लगाया, ये नहीं काम कर रहा ये। और ये जनरेटर इसका नहीं है, ये सिर्फ आपको वीडियो में दिखाने के लिए, ये एक सिलाई का जनरेटर है। रूटर ये देखें, ये शोला देना चाहिए इसको। आगे कर, ये देखिए, ये शोला इसको देना चाहिए, ये नहीं दे रहा जनरेटर। ये आपको बताया था ईके वैगन का ये ख़राब है। ये आपको दिखाने के लिए जनरेटर रखा है बकाया, इस जनरेटर का ये रोटर अंदर का ख़राब है। तो इसी तरह कटआउट चेक करने का तरीका भी आपको दिखाया है। ये प्लस पे ये हमारा सिस्टम तमाम गाड़ियों का बना हुआ होता है। तो इसका हम रोटर चेंज करेंगे और गाड़ी में फिट करेंगे, इसका रोटर ख़राब है बस। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि बैटरी की लाइट आ रही थी, अभी जनरेटर का रोटर हमने डाल दिया, पूरा जनरेटर नहीं चेंज किया, सिर्फ रोटर डाला है। और ये गाड़ी स्टार्ट हुई और जनरेटर की लाइट बंद हो गई। और आगे देखते हैं मीटर में रीडिंग क्या दे रहा है। वैसे तो लाइट बंद हो गई तो जनरेटर काम कर रहा है हमारा। तो ये लगा दिया, ये देखें 14.20, ये तकरीबन 14.5 तक जाना चाहिए, 15 तक नहीं, 14.20। लाइटों पे भी चेक करते हैं, लाइटें ऑन है और वैसे जनरेटर की जो इंडिकेशन आ रही थी लाइट की, तो ये देखिए अब वो चली गई है। फिर बंद करके स्टार्ट करते हैं, ये आ रही है, चली गई। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि पूरा जनरेटर अभी हम चेंज करते हैं। हालांकि वो कह रहे थे कि पूरा जनरेटर चेंज करो, तो जनरेटर का ज़्यादा खर्चा है। पूरा जनरेटर लेके आए 5,500 रुपये का जनरेटर है, तो उससे बेहतर है कि रूटर चेंज करना। रूटर ये है कि मुनासिब 1,000-1,200 रुपये, 1,500 रुपये में मिल जाता है। तो अभी हमने इसका रूटर डाला है और माशाल्लाह इसका काम कम्प्लीट हो गया है। तो उसमें सिर्फ फॉल्ट रूटर का था, कटआउट भी ठीक था, इलेक्ट्रिकल प्लेट भी ठीक थी। तो दोस्तों, हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि कस्टमर का खर्चा भी कम हो और काम भी हो। इसमें यह कि थोड़ी सी मेहनत है। तो पुराना रोटर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पुराना रोटर है इसका। ये इसके क्योंकि ये इतना चक मारा हुआ था कि ये प्लेट टूट गई, फिर प्लेट भी हमने चेंज की। ये इसका रोटर है। तो दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।